सभी दोस्तों को फिर से नया वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं गांव का जो बाज़ार हटिया किस तरह से लगता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए एक बाज़ार हटिया है ना, किस तरह से का नज़ारा है। ये लोग देखिए बहुत सारे सामान मिल जाएंगे आप लोग जो देखे होंगे। गाँव का नज़ारा, गाँव हटिया का, ये देखिए कुछ बेच रहे हैं लोग। इसको संथाल में सरसों बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए आलू है और ये देखिए सर्फ साबुन तेल का दुकान करना यार, आपको मिल जाएगा। आप और देखिए तीन हाँ सामा मैं तब ची अड़ा लैक मुई अड़ा मारे दस टका पाँच टका कितना तो हाँ ठीक ने जन्म चिल्का मोकना सिविल गया हाँ तीन कितना मोकना तीन दस टका देना चाहे मुझे मैडम सर हाँ जो लगाए तमस्से ठीक है। हटिया है ये, हटिया का जैसे गांव का हटिया का एक जैसे ये देखिए कितना नज़ारा, बहुत बेहतरीन नज़ारा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ साग देख रहे हैं, एक दादी को आप देख सकते हैं। मैं ऐसे जगह पे ही खरीदता हूँ जब भी गांव में आता हूँ, तो जो गरीब लोगों के होते हैं जो अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ इस आस में लगाते हैं, मैं ऐसे लोगों को लेता हूँ। चिवड़ा कंदमा हटको हाँ चिलका ले दस टका जो हाँ नहीं मीटर है दस टका तो से हाँ ठीक है दिन बुरा रन दौक हाँ मलहान तो अमा सस्ता गया हाँ आपको देखने वालों से भी मेरा यही गुजारिश रहेगी कि आप जब भी गांव में जाएंगे किसी बड़े दुकान में नहीं खरीदारी करें, आप तो ऐसे ही छोटे छोटे गरीब लोगों के सामानों को खरीदें ताकि उसकी रोजी रोटी उसके परिवार चल सके। मैं इसीलिए ऐसे ही ख़रीदता हूँ और बहुत अंदर से बहुत संतुष्टि होती है। बहुत वो लोग कम कभी नहीं देते हैं, जब भी देते हैं कुछ ज़्यादा ही देते हैं, जैसे आपने देखा दादी। और ये इस तरह का नज़ारा फिर देखिए
ये देखिए प्याज है, लहसुन, सब तरह की सब्जियां मिल जाती हैं यहाँ पर। ये लोग जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, कुछ इस उम्मीद से हैं कुछ बिक जाए उन लोग का जो भी आए। ठीक है ना मुराई, दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहा है। ये गांव का हटिया जब आप लोगों को लेके मैं आया हूँ, आप लोगों को कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हो सकता है बहुत लोग आप लोग ये हटिया आप लोग आए भी हैं, इस तरह का आप लोगों का गांव हटिया चल गया। हो रहा है चल गया मोकना, हाँ 35%। धन अच्छा भर पाए मैंने ये जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गोरटी माटी। इसको बाल में लगाया जाता है, ये शैम्पू का काम करता है गांव में। गांव के लोग ये मिट्टी जो है ना वाइट का जो दिख रहे हैं, संथाल में इसको बोलते हैं नड़का हसा। ये देखिए सफ़ेद चिल्का हो मुकना, नड़का हसा सफ़ेद माटी, इससे लोग बाल साफ करते हैं। कभी आप लोगों ने साफ किया होगा क्या? हम लोग तो साफ किए हैं जरूर। देखिए यहाँ पर देखें बकरी भी, बकरी का मार्केट भी है। बकरी भी मिल जाएगा, मुर्गी भी मिल जाएगा, बतख भी मिल जाएगा, मछली भी मिल जाएगा, मीट सब तरह का यहाँ पर इस हटिया में मिल जाएगा। देखिए मुर्गी देखिए तीनों तो मोकना, हाँ बनर 500। तो महंगा गया आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये कैसे लगता है। कैसे तरह है मंगूर? सर्दी होगा वो पशु को क्या है, गिरे पड़े का दर्द होता है, चोट मोच का दर्द है, पूरा ले लो। हाँ हाँ ऊंचा करो, उसको ऊंचा कीजिए ना, दर्द है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी दर्द है, चोट का, मोच का, मार कनकनी का, हाथ कीजिए, हाथ हाथ बढ़ाइए, पहले लगाइए, अगर दर्द कनता है तो लेना। हाँ लगा दीजिए, उसको मालिश कर दीजिए। बोलो चाचा है कहीं दर्द? उसको रगड़ के तेल को सुखा दीजिए। अरे तला किलो 10 टका, तला किलो 10 टका। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग इस तरह के हटिया में घूमे हैं कि नहीं, और कैसे कैसे दुकानों में लेते हैं, आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं। ये है हटिया का नज़ारा, ये देख सकते हैं आप लोग। उनको तो बहुत अच्छा लगता है ये गांव का हटिया, बाज़ार से तो उनको बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिल बसता है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह का खूबसूरत नज़ारा है।
देखिए डेली यूज होने वाला चाकू छुरी की दुकानें भी लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। ये डलिया की दुकानें हैं, बहुत सारे डलिया की दुकानें हैं, बहुत कम दामों में और बहुत मजबूत टिकाव दुकानें वो लोग खुद बना के लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग कितना खूबसूरत नज़ारा है। यानी आप अगर हटिया में आते हैं तो आपको यहाँ सब सारा सामान, आप गांव में रहते हैं तो ऑल टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत जमीन है। चिलका जुड़ा मोकना परवा कना किन किन चिलका हाँ 200 देखिए यहाँ पर हटिया में खाने का भी व्यवस्था है। ये होटल है छोटा मोटा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। यहाँ पर ये कुछ कपड़े की दुकानें भी हैं, ये देख सकते हैं। और ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कैसे लगता है। तब तक आप लोगों को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सबको बाय, जोहार, नमस्कार, आदाब।